हेलो दोस्तों, आज हम HP लैपटॉप की डिस्प्ले चेंज करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कैसे इसे खोलना है और कैसे इसे लगाना है। देखिए मैंने कैसे किया इसे, अब बेसिकली लगा रहता है, अब जैसे खोलिएगा। और देखिए दोस्तों, डिस्प्ले खोलने का तरीका बहुत ही आसान है, बट आपको ध्यान रखना है ये डिस्प्ले पेपर डिस्प्ले है, तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं यूज़ करना और किसी स्क्रू ड्राइवर से नहीं खोलना, अपने हाथों के थंब से इसे उंगली से खोलना होगा। अभी डिस्प्ले हमारा ओपन हो गया है, अभी टोटल 4 स्क्रू लगा है, चारों स्क्रू को हम अभी खोलेंगे। तो यहाँ पर टोटल 4 स्क्रू है, चारों स्क्रू को हम खोलेंगे। दोस्तों स्क्रू खोलने के बाद स्क्रू को संभाल के रखना होगा। दोस्तों ये डिस्प्ले 14 पिन का डिस्प्ले है, पेपर डिस्प्ले। तो ये पेपर डिस्प्ले बहुत ही पतला होता है, तो को ध्यान से खोलना पड़ेगा। अभी ये LVDS कनेक्टर है, अभी हमें इसे खोलना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप, यह कनेक्टर के ऊपर एक स्टिकर लगा रहता है, इसे आपको ध्यान से खोलना होगा। अब ध्यान से खोलिएगा, पहले तो ध्यान से खोलिएगा, उसके बाद इसे ऐसे करके बाहर निकल आएगा। अभी ये हमारा डिस्प्ले है, देखिए आपको अगर दिखाई दे रहा है, 14 पिन का डिस्प्ले है, और ये डिस्प्ले का मॉडल नंबर, ये देखिए 14 लिखा है। दोस्तों ये हमारा LVDS कनेक्टर, मान लीजिए आपके डिस्प्ले पर कलर ठीक से नहीं आ रहा है, कभी ग्रीन हो रहा है, कभी ब्लैक हो जा रहा है स्क्रीन, कभी ये डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा है। अब अगर कभी कभी, मान लीजिए कभी कभी आपके डिस्प्ले पर लाइट आता है, बट उसे हिलाने पर लाइट चला जाता है, ऐसा अगर कभी प्रॉब्लम हो तो आप LVDS कनेक्टर को क्लीन करके फिर दोबारा इसे लगाओ, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों ये LVDS कनेक्टर को निकालने के टाइम आपको ध्यान देना होगा और लगाने के टाइम भी ध्यान देना होगा। अभी हम LVDS कनेक्टर को लगाएंगे। आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ये देखिए एकदम सही से लगाना होगा, बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए। देखिए सही से लगाएंगे तो हमारा डिस्प्ले सही से काम करेगा, नहीं तो डिस्प्ले प्रॉब्लम आ सकता है। और एक बात दोस्तों, ये प्रोसेस करने के टाइम आपके लैपटॉप की अगर बैटरी आप अगर खोल सकते हो तो आपको बैटरी को खोलना होगा, और अगर पावर केबल आपने लगाया है तो उसे भी खोलना होगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट से आपका डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा, नहीं तो आपका मदरबोर्ड भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए आपको लैपटॉप को कोई पावर नहीं देना होगा, नहीं तो आपका डिस्प्ले खराब हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए हमारा काम लगभग हो गया है,
वीडियो जो वायर होता है इसे भी ठीक से बिठाना होगा, और जो चारों स्क्रू हमने खोला है चारों स्क्रू को लगा देना होगा। स्क्रू लग गया, अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। दोस्तों चारों स्क्रू लग गए, अभी हम ये कवर को लगाएंगे। दोस्तों कवर को लगाने के टाइम आपको ध्यान देना होगा, ज़्यादा जोर से इसे प्रेस नहीं करना, आप हल्के से प्रेस कीजिएगा, आपको एक लॉक लगने की आवाज़ आएगा तो आपका काम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।